हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पंकज रावत और मैंने पहले भी वीडियोस डाली हैं एजुकेशन के लेके, मैथ्स को लेके। और इस वीडियो पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट कवर किया है। और पहले भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट कवर किया है, जो रेशियोज थी उसे आप देख सकते हो उसमें। इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 है, कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, वो खुद आप कर सकते हैं क्योंकि काफी इजी थे और जो भी क्वेश्चन है। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन इन फिगर 8.13 माइनस वाटर। फिगर ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें निकालना अभी क्यू आर। तो भाई पहले तीनों ट्राइंगल की जो ट्राइंगल है उनकी तीनों साइड्स निकाल लेते हैं। तो क्यू आर को हम ऑब्टेन करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हमेशा ये अगर बेस है तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है जी। ये मैंने उनके साइड्स के नेम भी लिखे, सीधा डायरेक्टली कर दिया है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां से अगर स्क्वायर हटेंगे तो दूसरा साइड रूट लग जाएगा। तो 169 माइनस 144 कितना होता है, 25, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये करना है 10p माइनस क्वार्टर। बट इज 10p पी के लिए परपेंडिकुलर ही हो जाएगा और बेस डायरेक्ट ही, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। याद रखना कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में यूनिट नहीं आती क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसलाइज हो जाती है, ठीक है। और क्वार्टर है आर के लिए, इस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए ये बेस है। पहले बता चुका हूं कि साइन ने देखा है 3/4, हमें कैलकुलेट कॉस ए और टेन, ठीक है। तो पहले हमें क्या बताया गया था, बिल्कुल एक इजी फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो रेशियो मिल रही थी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा की थी, ये कॉस थीटा की और ये टेन थीटा। इट मींस हमें इस वीडियो में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है। अच्छा, अगर एंगल ए है तो परपेंडिकुलर इसके सामने होगा, अगर ये ए है तो ये होगा 3 और ये होगा 4। लेकिन हम इसे 3 ना लेके 3 के लेंगे और इसे 4 के लेंगे, क्यों, क्योंकि जो साइन के रेशियो हमारे पास है 3/4, जो रेशियो है 3/4 ये 6/8 करके भी आ सकती है। अगर ये 12/16 होगा तब भी 3/4 आता, और अगर ये 3k/4k है तब भी 3/4 आता। तो हमें पता नहीं है कि वो कौन सा ऐसा न्यूमेरिक है जो दोनों से, मतलब दोनों से एलिमिनेट हो रहा है, मतलब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो साइन इज इक्वल टू 3/4 है और हमें निकालना है बेस, क्योंकि हमें बेस की रिक्वायरमेंट है कॉस के टर्म्स में भी और टेन के। तो बेस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें बी स्क्वायर निकालना तो ये जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू जाएगा रूट, देखो यहां से स्क्वायर हटा है तो दूसरा साइड रूट लग जाता है, और ये जाएगा 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 7k स्क्वायर। तो ये जाएगा रूट 7 के, ये जो वैल्यू है ये वो आई है 8 की।
उसके बाद हमें क्या निकालना था, cos a और tan a, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस क्या है ए बी, और ए बी हमारा है रूट सेवन के अपॉन हाइपोटेन्यूज फोर के, ये जाएगा रूट सेवन अपॉन फोर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस थ्री के अपॉन रूट सेवन के, थ्री अपॉन रूट सेवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो पॉज करो,